अभी कई लोग गुटखा खा के बात तो कर देते कि ओलंपिक मेडल है, हमारे पैसे भी दो, ये वो दो। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया से मेडल के साथ पैसे वापस मांगने वालों को ओलंपिक मेडलिस्ट विजेंद्र सिंह ने जवाब दिया है और बताया है कि ओलंपिक मेडल के मायने क्या होते हैं। हमारे यहाँ जब हमारी बहनें ओलंपिक मेडल नदी में फेंकने जाती हैं तो वहाँ सबसे पहले उनका मजहब पूछा जाता है, हिंदू या मुस्लिम है, चलो हिंदू हैं। फिर उनको कास्ट में बांट दिया जाता है, अच्छा तुम जाट हो, अच्छा ये वो है, ये वो है, ये वो है, तो बहुत सारी चीजें। फिर उसके बाद जो उनकी आईटी सेलेक्टिवेट हो जाती है, फिर बहुत सारे लोग आते हैं कि गंगा, मैंने ट्विटर पे देखा है बिकॉज आईटी सेल की जो टीमें होती हैं कि हम आपको यहाँ प्रभावित नहीं करने देंगे, इससे हमारी गंगा नदी दूषित हो जाती है। तो ये देखकर बहुत दुख होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता कि ओलंपिक होता क्या है। आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा, बहुत सारे नेता लोग हैं उनको भी नहीं मालूम होगा ओलंपिक होता क्या है। पहले जहाँ आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं पहले वहाँ जीतना पड़ता है, जहाँ पखाड़े होते हैं वहाँ जीतना पड़ता है, नंबर वन बनना पड़ता है उस वेट में। फिर जाके आपको डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल होती है, लाइक भैया मैं भिवानी का रिप्रेजेंट करता हूँ तो मैं यहाँ पे ट्रायल दूंगा, वहाँ चार पांच अकेडमियाँ और होती है, वहाँ जीतना पड़ता है। फिर जाके स्टेट में जीतना पड़ता है, फिर जाके नेशनल में जीतना पड़ता है, फिर जाके एशिया में जीतना पड़ता है और फिर जाके ओलंपिक में जीतना पड़ता है, तब जाके ओलंपिक मेडल आता है। विजेंद्र सिंह ने कहा कि शर्मनाक है कि गुटखा खाने वाले देश की बेटियों का मजाक बना रहे हैं। अभी कई लोग गुटखा खा के बात तो कर देते कि ओलंपिक मेडल है, हमारे पैसे भी दो, ये वो दो। तो भैया पहले भी हमने बात कही थी इस बात में कि भैया अगर सरकार चाहेगी तो हम कहते हैं कि वो पैसे भी दे देंगे उनको, अगर ज्यादा इनको दिक्कत है इस चीज से। लेकिन ऐसा बन के दिखाओ, आप ऐसा मेडल लेके दिखाओ, उसके बाद आप बात कीजिएगा।